जय साथियों, आज के सेशन हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय पार्क। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि आज हम लोग कंप्लीट राष्ट्रीय पार्क को पढ़ेंगे, माने पूरा। क्योंकि राष्ट्रीय पार्क से आजकल जो परीक्षाओं में ट्रेंड है, थोड़ा सा घुमावदार पूछता है, कूट वाले सवाल पूछता है। अब उतना आसान नहीं जितना हम और आप समझ कर बैठे हैं, इसलिए इस सेशन के अंत तक आप कॉपी कलम के साथ बने रहिएगा और अपने साथ पास भारत का मानचित्र भी जरूर रखिएगा। इस सेशन में हम राज्यवार प्रमुख जो राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, उनको क्रमवार रूप से पढ़ेंगे। और आप जानते हैं राष्ट्रीय पार्क में सबसे प्रमुख बात यह है कि इसमें चराई नहीं कराई जा सकती, कटाई नहीं किया जा सकता, इसे घूमने के लिए टूरिज्म प्लेस नहीं बनाया जा सकता। वैसे राष्ट्रीय पार्क में अगर हम बात करें पूरे भारत में तो सबसे ज़्यादा बाघों के लिए है। वैसे मेरे मन में और सवाल आ रहे हैं और मैं चाहूँगा सवाल के साथ ही इस वीडियो की शुरुआत करूँ। सबसे पहला सवाल यह है कि भारत में वर्तमान समय में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दूसरा सवाल, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में और कितने हैं, और भारत में बाघों के लिए, टाइगरों के लिए कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, इसका जवाब इस वीडियो सेशन में कमेंट के साथ दीजिएगा और सेशन के अंत तक बने रहिएगा। ये सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, इस वीडियो बड़ा होगा, निशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशहित और राष्ट्रहित में है। अगर आप रेगुलर क्लास पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मानस नेशनल पार्क, माने मानस राष्ट्रीय पार्क। अब जब मानस राष्ट्रीय पार्क आएगा, इसमें से क्या क्या चीजें आपको पढ़ने योग्य और महत्वपूर्ण, क्या क्या चीजें इसमें जरूरी है, उस पर भी हम लोग फोकस करते हैं। मानस की अगर हम बात करें तो यह असम राज्य में है। मतलब छोटा सवाल अगर पूछा जाएगा कि मानस कहाँ पे, किस राज्य में है, इसका जवाब आपके सामने है कि जो मानस है वो कहाँ पर है, असम राज्य में। असम के दो जिलों बोंगाईगांव गांव और बारपेटा में है। लेकिन मानस राष्ट्रीय उद्यान को 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगर बात करें यहां पाए जाने वाले जीवों में, असम छत वाला कछुआ, ध्यान दीजिएगा, असम छत वाला कछुआ, हिस्पिड खरगोश, गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉग है। वैसे पिग्मी एक जनजाति है। अगर मैं सवाल पूछूं कि अगर विश्व भूगोल के नजरिए से देखा जाए, मानव भूगोल नजरिए से देखा जाए, तो सवाल आपका बनता है कि पिग्मी जनजाति विश्व में कहां और किन देशों में पाई जाती है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। वैसे मानस जंगली भैंसों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। एक सवाल मन में आता है आपके और हमारे भी मन में आता है कि भैया जो मानस है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तब कहते हैं कि जो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है वह जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम और आगे चलते हैं सेशन में और आगे भी देखेंगे। अब आपके सामने ये मानस राष्ट्रीय पार्क है, कभी मौका मिलेगा तो घूमने जरूर जाइएगा, विजिट करिएगा भारत दर्शन में। अब एक और इम्पोर्टेंट है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस भी पूछा जाता है, केवलादेव भी पूछा जाता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे केवलादेव, तो केवलादेव सबसे पहला सवाल है ये किस राज्य में है। अगर केवलादेव की हम बात करें तो किस राज्य में है, तो जैसे ही आता है कि केवलादेव किस राज्य में, तो आप कहते हैं सर ये राजस्थान में है। राजस्थान में भी कहां, भरतपुर में है। अब इसके बारे में अगर जाने तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जिसे पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। लेकिन इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह आप सभी के लिए प्रमुख है, तो आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट रख लें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सभी के लिए और आप सभी के लिए। अब इसके नोट्स भी बनाते चल सकते हैं, जहां जरूरत पड़ेगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। इससे फिलहाल हम और आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ेंगे आता है अगला काजीरंगा। नाम सुनते ही आपके मन में आ गया, हाँ सर काजीरंगा को तो मैंने पढ़ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर काजीरंगा की बात की जाए तो 1905 में स्थापित किया गया था। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं कि स्थापित कब किया गया था, लेकिन यह ज्यादा महत्वपूर्ण है किस राज्य में, तो यह भी आपके असम राज्य में है। ये गैंडो के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, गैंडो के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यहां पर विश्व की गैंडो की आबादी का 2/3 भाग निवास करता है, पर दुनिया का 2/3 गैंडे केवल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं, कौन से, असम वाले। अब इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान, 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान और 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसकी रख सकते हैं अपने पास।
आगे अगर हम बढ़े तो यही है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, देख रहे हैं ना, एक सिंह वाले गैंडे के लिए। अगर हम नागरहोल की बात करें, यह भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, अगर हम नागरहोल की बात करते हैं तो हमारे सामने और आपके सामने आ जाता है कि भैया नागरहोल कहां पर है। तो मेरा सवाल आप सभी से है कि नागरहोल भारत के किस राज्य में है। अगर हम यहां पे बात करें नागरहोल के बारे में, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान 1999 में भारत का 37वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। कहां है? नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है। इस पार्क को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, और हम चाहेंगे कि जितने भी साथी सेशन में बने हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, वे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि, तो हम लोगों ने देखा कि अब जवाब आपने कमेंट बॉक्स में दिया है, ये कर्नाटक में है और इसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है। मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें कि किस नदी के नाम पर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नाम नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है, और इसे अब राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम और आगे चलें तो आगे आपके मिलता है बांदीपुर का राष्ट्रीय उद्यान, यह भी इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर यह भी कर्नाटक में है। कहां पर है? यह कर्नाटक राज्य में है, जिसमें चामराजनगर जिले में स्थित है। यह 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। अगर आगे बात करें अंसी राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक में है। कहां पे है? कर्नाटक में है। यह अंसी राष्ट्रीय उद्यान को काली टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। यह भी पूछा जाता है किस नाम से? काली टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। और उससे बड़ी बात है यह उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है, जिसे कर्नाटक में उत्तर केनरा के रूप में भी जाना जाता है। इसे काली टाइगर रिजर्व कहा जाता है अंसी राष्ट्रीय उद्यान को। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। कुद्रेमुख से परीक्षा में खूब सारे सवाल आते हैं। यह भी कर्नाटक में है। कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताइएगा। यह कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के चिकमगलुरु जिले में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है। जब हमने ईवीएस सेशन पढ़ा था वहां पे मैंने इसको अच्छे से पढ़ा था, अगर आपने याद होगा। ठीक है, वैसे पर्यावरण की सीरीज में या भूगोल सीरीज में भी आप इसे जाके पढ़ पाएंगे और देख पाएंगे। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये अनेकल रेंज की पहाड़ियों में बेंगलोर कर्नाटक के पास स्थित है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं, वैसे प्राय लोग जाते हैं जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके आसपास। तो जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हम संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, और ये छत्तीसगढ़ में है। आप देख पा रहे हैं गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। कान्हा सवाल खूब सारे आते हैं। कान्हा मध्य प्रदेश में है। एक प्रश्न का उत्तर मिल गया, कान्हा कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। यह सतपुड़ा और मैकाल रेंज में स्थित है। यह 1955 में स्थापित किया गया था और 1973 में एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जो आप सभी के लिए अहम और इंपॉर्टेंट है। यह पहला बाघ अभ्यारण्य है जिसमें ने शुभंकर भूर सिंह द बारा सिंघा को घोषणा की गई, द बारा सिंघा की घोषणा की गई। ठीक, आप चाहे इसके स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, एक सवाल आता है कहां पे? मध्य प्रदेश में, कास्ट मिलान करने वालों में, कूट वाले में। ये मेरे द्वारा सभी निःशुल्क क्लासेस आपके लिए देशित में राष्ट्रीय में है। नंटकी राष्ट्रीय उद्यान, ये नागालैंड में है, जिसे पहली बार 1993 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया था। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका इतिहास भूगोल दोनों महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं आपने इसे पढ़ा और सुना जरूर होगा। यहां से परीक्षा में सवाल पहले तो खूब पूछे जाते हैं, आज भी पूछे जाते हैं, लेकिन बस पैटर्न बदलते जा रहे हैं। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था, मतलब जिम कार्बेट का पुराना नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था। 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया, जिसका नाम ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर मैलकम हैली के नाम पर रखा गया। यह आप सभी के लिए बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आगे
1954-55 में इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, 1954-55 में इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, फिर 1955-56 में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। यह इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम पहले रामगंगा किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान 1954-55 में, फिर एक साल के बाद 55-56 में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसका नाम रखा जाता है। यह पार्क रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यह पूरी सीरीज आपके लिए काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, एक एक करके कदम बढ़ाते रहें और आगे भी बढ़ते रहें। जिम कार्बेट आप देख पा रहे हैं, अगर आप वहां पर गए होंगे तो ऐसी तस्वीर आपको देखने को मिला होगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यहां से भी सवाल परीक्षाओं में आते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1975 में स्थापित किया गया था। अगला है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं वो इसकी महत्वपूर्णता को समझ रहे होंगे। जी हाँ, इसका नाम है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो जो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, तो ये सभी लोग के लिए जरूरी है और आप सभी लोग इसे पढ़ते रहें और देखते रहें। हम बढ़ते हैं इस सेशन के साथ और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा, पहले तो इसको जूम इन करते हैं क्योंकि थोड़ा सा कट रहा है, और यहाँ पर हमने देखा कि यह अंडमान द्वीप समूह में है। कहाँ पर है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान? अंडमान द्वीप समूह पर है। कहाँ पर है? बांडूर के पास। 1983 में इसे स्थापित किया गया था। अगला है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से देखें, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, इसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, यह श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में एक राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूछूं सलीम अली कौन थे, तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे सलीम अली कौन थे। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा, जैसे आप फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं आप, जवाब जरूर दीजिएगा। चिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, चिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पर है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए जानते हैं मरुभूमि के बारे में। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित है। कहां पर? राजस्थान में स्थित है। इस उद्यान का सबसे बड़ा आकर्षण पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, मोस्ट आईएमपी, इसलिए पूछा जाता है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है। यह एक गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजाति है जो केवल भारत में पाई जाती है, यह इंपॉर्टेंट है। यहां से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं सीधे सीधे। हम इस सेशन में और आगे बढ़े तो अगर हम आगे देखेंगे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, क्या होगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान? ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अगर हम बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी परीक्षाओं में खूब सारे सवाल पूछे गए हैं। इसमें नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। 1983 में इसे बाघ अभ्यारण और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया। कब? 1983 में इसे बाघ अभ्यारण और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया था। यह दुनिया का एकमात्र पार्क है जहां बाघ, पैंथेरा, टिग्रिस, तेंदुआ, पैंथेरा पाइडस, हिम तेंदुआ, पैंथेरा उन्सिया और धूमिल तेंदुआ, नियोफिलिस नेबुलोसा नामक बड़ी बिल्ली की चार फिलाइन प्रजातियां पाई जाती हैं। मोस्ट आईएमपी है आप सभी के लिए नामदफा। वैसे एक लाइन पूछ देगा नामदफा कहाँ पाया जाता है, आप उसका जवाब दे लेंगे, लेकिन इस प्रश्नों के साथ प्रश्न को कैसे जोड़कर पढ़ना है ये आप सभी के लिए अहम और इम्पोर्टेंट है। हम और आगे बढ़ें आपके सेशन को लेकर, तो नामदफा को देख लीजिए, मौका मिले जरूर जाइएगा। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये मिजोरम में है। कहां पर है? मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम के चंफाई जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान ही हम पढ़ रहे हैं। मिजोरम में एक राष्ट्रीय उद्यान फोगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है जिसे 1992 में स्थापित किया गया था। यह यूम तीतर का निवास स्थान है जो मिजोरम और मणिपुर राज्य का राज्य पक्षी है। तो आपके लिए मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान काफी हद तक महत्वपूर्ण है।
क्योंकि यहां से प्रश्न कभी कभार परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है जब भी पूछा जाए और आपसे गलती हो जाए। अगला है शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अब जानते हैं शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। तो शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, पूछा जाता है कहां पर है। आपको पता हो उड़ीसा में है, मयूरभंज जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है, यह बाघ अभ्यारण्य 1956 में, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम इस सेशन के साथ फिर से और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इस सेशन में, इस सीरीज में, भीतर कनिका, यह भी इंपॉर्टेंट भीतर कनिका, क्योंकि जो भीतर कनिका है अब इस चित्र को देखकर बता सकते हैं और पिता का आपने पढ़ा भी होगा किस लिए महत्वपूर्ण है। यह भी उड़ीसा में है और स्थित भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र है। भीतर कनिका किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका जवाब कमेंट सेशन में आप जरूर छोड़ते हुए जाइएगा, क्योंकि इसी साथ साथ आपका नोट्स भी बनकर तैयार हो जाएगा। अगला जो है आपके सामने है वो इंपॉर्टेंट है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, यह एक नेशनल पार्क है। 1979 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसे राष्ट्रीय उद्यान, एक चिड़ियाघर, जंगली जानवरों के लिए बचाव केंद्र और चयनित महत्वपूर्ण प्रजातियों के लिए संरक्षण प्रजनन केंद्र का एक संयोजक होने का अनूठा गौरव भी प्राप्त है। तो चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट भी अपने पास सुरक्षित कर सकते हैं। वैसे आपकी मर्जी, हम ये चाहेंगे कि आप इन सबको अपने पास सुरक्षित रखते चलिए, और टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके तो जुड़ ही सकते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। अब अन्य राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ते हैं जहां से आपके परीक्षा में भी सवाल पूछे जाते हैं, कुछ अहम और महत्वपूर्ण थे। अब आगे भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपके साथ बढ़ते हैं। अगर हम असम की बात करें तो असम में भी आपने देख लिया होगा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पार्क थे जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। असम में देखा जाए नेमेरी राष्ट्रीय उद्यान, आप देख पा रहे हैं। दूसरा है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, क्या है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। फिर आप देख रहे हैं रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। फिर आपने देखा कि डिब्रू सखुआ राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पूछा जाता है। ओरंग हुआ, नमेरी हुआ, डिब्रू सखुआ हुआ और रायमोना हुआ। तो ये ऐसे पांच हैं असम के जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए कुछ अहम है। अभी असम के और भी हैं लेकिन फिलहाल ये पांच आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम देखें असम में तो वही है नमोरी, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, दही पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये अगर आपने अभी तक नहीं स्क्रीनशॉट के रूप पर किया है तो आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर कर लें। अगला है राजस्थान। राजस्थान में अगर देखा जाए तो आप मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, दारा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। रणथंभौर, इसे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ऊपर आप देख पा रहे हैं। अगर उत्तराखंड की हम बात करें, उत्तराखंड में बहुत इंपॉर्टेंट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और रट लीजिएगा। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट, 1983 में स्थापना हुई है, शिवालय जैव विविधता का अद्वितीय भंडार है यहाँ पे। फिर गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात की अगर हम देखें, गुजरात में है आपके सामने गिर राष्ट्रीय उद्यान, आप देख रहे हैं। आप शेर देखते ही जान जाते हैं ये बब्बर से जो गुजरात के गिर के राष्ट्रीय उद्यान में ही मिलते हैं। अन्य राष्ट्रीय उद्यान फिर है गुजरात में, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, रख लीजिए गुजरात के लिए, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम सबके लिए परीक्षा में आते सवाल सीधे सीधे आते हैं। गुजरात में देखा जाए बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, क्या है बसंदा राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं बहुतायत में। आगे अगर हम बढ़े तो हमने देखा कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, यह परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये इंपॉर्टेंट है। अभी और भी लंबा, अभी आधा भी नहीं हुआ अभी वीडियो, तो और लंबा चलेगा। अगला है मध्य प्रदेश में बांधवगढ़। देखिए आप लोग टेलीग्राम पर, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पर दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग में दुर्गेश से जरूर जुड़ जाएंगे टेलीग्राम पर। जैसे टेलीग्राम में जुड़ेंगे सभी क्लास की नोट्स, लिंक, वीडियो, पीडीएफ आप सभी को
चीजें एक जगह ही मिलती रहेंगी, मेरी नेशनल क्लासेस सभी आपको एक जगह मिलती रहेंगी। अब बाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, जानते हैं ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट, बाधवगढ़ परीक्षा में पूछा जाता है। हरियाणा में देखा जाए तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, और ये हरियाणा का है, जहां पर साल के वृक्ष की एक प्राकृतिक पट्टी के रूप में दिखाई देती है। पश्चिम बंगाल में गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा कहां पर, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं इस परीक्षा में खूब सवाल आते हैं। नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान यह भी पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, कमेंट करके बताइएगा, यहां भी रॉयल बंगाल टाइगर खूब मात्रा में पाए जाते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व यह भी पश्चिम बंगाल में है। अंडमान और निकोबार कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ज्यादा परीक्षा पूछा जाता है कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है, ये आपका अंडमान और निकोबार में है। अंडमान निकोबार में क्या है, गैलेथिया बे राष्ट्रीय उद्यान, तो जो बे बे वाला आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं बे आप बंगाल बंगाल की खाड़ी में, तो इस प्रकार मान लीजिएगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, अंडमान और निकोबार में, गैलेथिया बे राष्ट्रीय उद्यान। मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान यह भी अंडमान और निकोबार में है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यह भी अंडमान और निकोबार में है, आप भी इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की है, तो सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान में अंडमान और निकोबार में है। साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान जिसे रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए यहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछ लिए जाते हैं। यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, और साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान ये रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है। साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। मेघालय में अगर बात करें तो मेघालय में सवाल पूछा जाता है, बालपक्रम है, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान इसे गोल्डन कैट और भौंकने वाले हिरण के लिए प्रसिद्ध, मैंने यहाँ भौंकने वाले हिरण के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये। जम्मू कश्मीर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं पूछूं दाचीगाम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप चित्र देखकर कमेंट करके बता सकते हो, उम्मीद करूंगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। जम्मू कश्मीर में काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान क्या है, काजीनाग ये कहां पर, ये भी जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी जम्मू कश्मीर में है। केरल साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, साइलेंट वैली पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया सांदे घाटी केरल में, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में ही है। अनामोड़ी सोला राष्ट्रीय उद्यान ये भी केरल में है। अच्छा सोला घास भारत में कहां पाई जाती है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। पमदुम सोला राष्ट्रीय उद्यान ये भी केरल में, पमदुम सोला राष्ट्रीय उद्यान कहां, ये भी केरल में है। मथिकेट्टन सोला राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेट्टन सोला राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका कहां पे, केरल में है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये भी एराविकुलम पूछा जाता है, ये भी केरल में है। अच्छा किस प्रकार के बकरियों के लिए प्रसिद्ध है, जरा कमेंट करके बताइएगा। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये भी केरल में है, पेरियार एक नदी भी है। तमिलनाडु की बात करें तो ग्रास हिल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये आपके तमिलनाडु में है। और अगर हम बात करें तो ग्रास हिल राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट में एक संरक्षित क्षेत्र है, और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, किसका, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा भी है। अब गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान ये भी तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी तमिलनाडु में है आपके। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, झारखंड में, बेतला कहां पे, झारखंड में है, छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बहुत प्रसिद्ध है, ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, माने एकमात्र यूपी का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है।
यह लखीमपुर खीरी जिले में भारत और नेपाल की सीमा पर है। महाराष्ट्र की बात करें, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान है और यह महाराष्ट्र में है। यहाँ की पार्क मेलघाट टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, जो पहले बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, जिसका अब नया नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश में खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, यह भी हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, रट लीजिए, बहुत ज्यादा परीक्षा पूछा जाता है नामदफा। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, खूब ज्यादा परीक्षा पूछा जाता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर, सिक्किम में है। आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पंपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। गोवा में भगवान महावीर अभ्यारण और मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है, ये गोवा में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, ये भी आपके बिहार में है। लद्दाख में हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, लद्दाख में है। इसी के साथ हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण सेशन था उसे हम लोगों ने पढ़ लिया, माने नेशनल पार्क से इससे बाहर आके परीक्षा में सवाल नहीं पूछे जाते। तो अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। अभी तक कुल राष्ट्रीय पार्क की संख्या कितनी है कमेंट करके बताइएगा। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है और भारत में अभी तक वर्तमान समय में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर दीजिएगा। ऑनलाइन क्लास नोट संबंधी जानकारी के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। वैसे एक नंबर है, इस नंबर को हम लिख दे रहे हैं, हो सकता है आपके काम आ जाए, क्योंकि मेरी क्लासेज आप सभी को निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय में उपलब्ध रहती है। यहाँ पे नोट संबंधी सभी जानकारी आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं एनसीईआरटी के सभी नोट, तो एनसीईआरटी के भी सभी नोट्स आपको 6 से लेकर 12 तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध है, पीडीएफ फॉर्मेट में भी है। लेकिन आप लोग इसकी क्लास और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से आप सब जुड़ सकते हैं। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप चाहे तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं के तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आपने वीडियो के यहाँ तक देख लिया तो सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, मैंने बता दिया मध्य प्रदेश में 11, और वैसे भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। नेशनल पार्क कितने हैं जवाब मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। और वीडियो कैसी लगी फटाफट कमेंट करके बताइएगा, हम इसकी अगली सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे डे बाई डे। आपके लिए ये सीरीज कंप्लीट आपको मिल जाएगी, ताकि आपका जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाए और डिटेल में, और इसकी पीडीएफ भी ऐप पर टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। ठीक है, थैंक यू सभी का, बाय बाय। वीडियो को दबा के शेयर करिएगा और लाइक करके रखिएगा, क्योंकि इससे आपके पैसे तो नहीं कटेंगे, बस एक मोटिवेशन मिलता है, हाँ आप इसे पसंद भी कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।